हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे तुम लोग का पेपर चल रहा है एस वाई बी कॉम वाले का, राइट? तो मैं सोचा तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर दूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स का आंसर दिया है, पर कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है और स्टार्ट करते हैं। तो पहले ब्लैंक्स पढ़ता हूँ। फिक्टिशियस एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर। तो जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होता है एक्सेस कैपिटल में, या प्रॉफिट एंड लॉस होता है, या जनरल जो होता है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर बोला एसेट्स और लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो अमलगमेशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है ना, तो हम लोग इसमें कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? टेबल का वैल्यू। टेबल का वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू, है ना। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस आए ना तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रोडक्टिव वेजेस आए तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोडक्टिव आए तो, और अनप्रोडक्टिव आए तो प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस पेबल, पेबल मतलब देना है, आउटस्टैंडिंग, तो लाइबिलिटी साइड आता है। किधर आता है? अगर प्रीपेड आया, एडवांस आया तो एसेट में आएगा ना। प्रीपेड एडवांस आया तो किधर आएगा? एसेट्स में आएगा। करंट अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस, तो वो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी में आएगा। करंट अकाउंट का डेबिट है तो एसेट, क्रेडिट है तो लाइबिलिटी। और ये तो ब्लैंक्स कंफर्म आएगा, और शॉर्ट नोट्स भी आने वाला है। एक्सेस कैपिटल मेथड, जो एक्सेस कैपिटल मेथड होता है उसको हाईएस्ट रिलेटिव मेथड भी बोलते हैं। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में जो सब है ना, उसके ऊपर शॉर्ट नोट जाएगा, चार लाइन मीनिंग लेके इसका फॉर्मेट भी बना देने का, ठीक है, अपना मार्क्स कवर हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो प्रॉफिट होता है ना वो कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, और लॉस होता तो कैपिटल के डेबिट में। प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में ट्रांसफर करने का रहता है, और लॉस होगा तो डेबिट में। और पार्टनरशिप फॉर्म का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता, राइट। गवर्नमेंट ड्यूज, ड्यूज मतलब कर्जा, तो जो गवर्नमेंट का कर्जा होता है वो प्रेफरेंशियल लायबिलिटी से। एक्सेस कैपिटल में जो कर्जा कैश के बाद में कॉलम बनेगा ना, अगर गवर्नमेंट का लायबिलिटी रहेगा इनकम टैक्स, तो पहले उसको देना पड़ेगा, फिर अंदर का देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल मतलब जरूरी, पहला इनको, फिर बाद में किसी और को। अमाउंट एग्री टू बी पेड बाय द न्यू फर्म, जो अमाउंट न्यू फर्म पे करता है बिजनेस खरीदते वक्त, उसको परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परचेस कंसिडरेशन। अब बैड डेट्स मतलब लॉस होता है, क्या होता है? लॉस। और एम्प्लॉय का ड्यू भी प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी है? प्रेफरेंशियल मतलब पहला पे करना है। किसमें? एक्सेस कैपिटल। देखिए ये संबंध है ना अपना, ये जो पहला लिखा जाता है ना उसको प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रेफरेंशियल। ये प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज है ना। बाद में ये इंटरनल लोन होता है, इंटरनल वो बाद में सेटल किया जाता है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गए। और ट्रू और फॉल्स में क्या समझा रहा हूँ, ध्यान देना है। पार्टनरशिप मस्ट कंडक्ट लॉफुल बिजनेस, सीधी बात है, लॉफुली करना है ना, तो ट्रू है। ड्रॉइंग अपीयर ऑन डेबिट साइड, यस, ड्रॉइंग डेबिट में आता है और कैपिटल क्रेडिट में आएगा। ड्रॉइंग और कैपिटल क्रेडिट में। जनरल रिजर्व क्या दिया है? इस क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यस। जनरल रिजर्व किधर डालते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल में डालते हैं ना। जैसे एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा तो जनरल रिजर्व किधर आएगा? कैपिटल में आके क्रेडिट में ही आता है, इधर ही आता है ना ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है? अनपेड सैलरीज मतलब पेंडिंग है, वो प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज है, हाँ ट्रू बोला है। गुडविल रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रीटमेंट ऑन अमलगमेशन, गुडविल को अलग से ट्रीटमेंट होता है अमलगमेशन में, ट्रू। ऑन अमलगमेशन फिक्टिशियस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो भी सही है, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और क्लोज मतलब पीसी बनाना पड़ता है उसके लिए, यस, वो भी ट्रू है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल रेशियो, फॉल्स। कैपिटल रेशियो में नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाता है ना, इसलिए फॉल्स है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर शो डेबिट बैलेंस, डेबिट नहीं होता है, क्रेडिट होता है। प्रोविजन कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग वेजेस से नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स, नॉमिनल नहीं, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। सिर्फ वेजेस आएगा तो नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग आएगा तो पर्सनल। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस ओनली, गलत, छोटा वाला लेना जाता है तो ओनली है तो भी फॉल्स ही होता है वो। एसेट टेकन बाय पार्टनर, वो पार्टनर क्या लेके गया एसेट, तो कैपिटल के डेबिट में आता है। तो ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट पड़ा है, अमलगमेशन सीखे, उसका ही ट्रीटमेंट है, ओके। अब शॉर्ट नोट्स में तुमको क्या समझाने का है, देखो अगर शॉर्ट नोट्स में ये आ गया, सपोज नेट एसेट मेथड ऑफ परचेस कंसिडरेशन, तो ये अमलगमेशन का चैप्टर का उसका मीनिंग लिखेंगे। परचेस कंसिडरेशन क्या है? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है, उसके बारे में डालेंगे आप लोगों के। फिर परचेस कंसिडरेशन का फॉर्मेट बना देंगे, एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करते हैं ना, तो ये तुम्हारा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। अमलगमेशन फॉर्म, जब दो फॉर्म ज्वाइंट होता है उसको अमलगमेशन बोलते हैं। तो आप लोग चार छः लाइन लिख सकते हैं। अभी मैं तुमको एक चीज़ बोलता हूँ तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मान लो ये वाला शॉर्ट नोट लिख रहे हैं अमलगमेशन फॉर्म, तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अमलगमेशन नाम का, देखो ये क्वेश्चन आएगा ना, इसमें जूली और लिली दिया है, तो आप लोग एक्स और वाई करके पूरा सम उतार देने का क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट से पूरा सम उतार देने का, सिर्फ नाम चेंज कर देने का। तो आप क्या लिखेंगे कि अमलगमेशन फॉर्म कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको चेंज कर दो ना, क्योंकि वो भी अमलगमेशन ही है ना, सिर्फ नंबर और नाम चेंज कर देने का। तुमको इधर इतने सारे जीरो दिए, दो दो जीरो कम कर देना है ना,
फिर एक कंडीशन डाल देने का, तो ये होता है अमलगमेशन का एग्जाम्पल, जिस तरह तुम्हारा मार्क्स और टेबल बढ़ जाएगा राइट। इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, तो कुछ खाली नहीं छोड़ना तुमको, खाली छोड़ेगा तो आगे पीछे हो जाएगा राइट। और इधर बोला एक्सेस कैपिटल मेथड, जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन गैप था उसका फॉर्मेट बना देने का। तो इस तरह तुमको शॉर्ट नोट्स भी अटैम्प करना है, ऑब्जेक्टिव्स भी अटैम्प करना है ना। थैंक यू।